हिमाचल प्रदेश के अंदर मान्यवर जयराम ठाकुर जी की जो सरकार चल रही है वो निर्णय लेने में सक्षम है। कांग्रेस के मित्र जो जिस प्रकार से आलोचना कर रहे हैं ये निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से इस कोरोना काल की भयभाक परिस्थिति में आए दिन नए नए निर्णय नए नए फैसले लिए जा रहे हैं कैबिनेट के द्वारा, सरकार के द्वारा, और हाल ही में जो कांगड़ा के अंदर धर्मशाला के अंदर जो शीतकालीन सत्र स्थगित किया गया है भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी के साथ है, सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। और इस कोरोना काल के बीच में पुनः जो लॉकडाउन, रात का कर्फ्यू और कई व्यवस्थाएं ऐसी की गई है, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों की भर्ती और अनेकों प्रकार से जो समाज को जो है वो सुविधा देने का प्रयास माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार कर रही है। और इस परिस्थिति का सामना करने के लिए सरकार डट करके जनता की सेवा कर रही है, विकास कार्यों में कहीं कोई गति रुक नहीं रही है। आए दिन जो है हर जिला के अंदर वर्चुअली मीटिंगों के जरिए से करोड़ों की कई योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है, कई जगह शिलान्यास हो रहे हैं, कई जगह जो पूर्ण हुए कार्य उनका उद्घाटन हो रहा है। और कुल्लू जिला के लिए डॉक्टरों का, चार डॉक्टरों की नियुक्ति का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया है और उसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और कुल्लू के समस्त वासी और व्यवस्थाएं कोरोना से संबंधित रख रखाव की जो व्यवस्थाएं हैं वो अनेकों प्रकार से जो सुविधाएं देना, इसके लिए भी हम सरकार का जो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कुल्लू जिले के और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था खड़ी की है और इस भयभाग परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में काम करना कितना कठिन है, आलोचना के लिए आलोचना करना सुगम है, आसान है, लेकिन परिस्थितियों को फेस करना वो सरकार सामना कर रही है, हर परिस्थिति से सामना कर रही है और करेंगे और जनता को कोई आंच आने नहीं देंगे, ऐसा संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। सर जिस तरह से